अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शामी कबाब। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए जी, ये देखिए दाल ली है मैंने चने की आधा किलो, जिसको मैंने घंटा हो गया भिगो कर रखा है। ना भी भिगोएं तो कोई मसला नहीं, भिगो दें तो वैसे जल्दी गल जाती है, टाइम कम लेती है। ठीक है, सूखा धनिया पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून लेंगे कुटी हुई मिर्चें सुर्ख, हाफ टेबल स्पून हम लेंगे गरम मसाला पाउडर, नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, किनोर क्यूब्स लेंगे 2 अदद जी। कुकर लेंगे हम, इसके अंदर मैं दाल डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही पानी भी डाल दूंगी। धो के इसको भिगो दिया था, ठीक है, साथ ही पानी भी डाल दूंगी। मैं डालूंगी इसके अंदर नमक जो मैंने आपको बताया है, डालूंगी किनोर क्यूब्स, डालूंगी काली मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। बाद में डालेंगे इसके अंदर पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, इतना पानी हम डालेंगे जिससे हमारी दाल अच्छी नरम गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। आप ऐसे करके कुकर को देख लें, ये देखिए मैंने लगाना है 20 मिनट का इसको प्रेशर, ये देखिए इसको मिक्स करके हम प्रेशर का ढक्कन बंद करके रख देंगे जी। कुकर को मैंने बंद करके ऊपर रख दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है, 20 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। बाकी का मसाला मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। आधा किलो से थोड़ा कम है, ये कह सकते हैं ये चिकन है बोनलेस, मैंने इसको धो के इसके पीस बना के रख लिए। अभी मैं आपके सामने इसका मसाला बनाती हूँ। तो प्याज लिया है मैंने 1 अदद बड़ा, 2 अदद लिए अंडे, धनिया लिया है मैंने 1/2 प्याली या 1 प्याली कर लें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। पुदीना डालेंगे, धनिया भी डालेंगे, पुदीना 3 से 4 अदद, सब्ज़ मिर्चें हैं 3, ये देखिए 3 है मैंने काटी हुई। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ कम खाते हैं, डाल लें, ठीक है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून हमारे पास ने लिया है सूखा धनिया पाउडर मसाला बनाने के लिए, ये हम यूज़ करेंगे। ये देखें प्रेशर कुकर हमने 20 मिनट का लगाया है। ये देखें चने की दाल थी मेरी, इस तरह की नरम होनी चाहिए, ये ठंडी हो जाती है तो इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अमेजा जो मसाला हम इसके अंदर मिक्स करके शामी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। पैन मैंने ऊपर रख दिया, ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। मैं आगे आपको बता रही थी कि दाल को कैसे कैसे कर सकते हैं, मेरे पास चॉपर है, मैं चॉपर में उसको चॉप करूँगी, यानी कि उसको ब्लेंडर कर लेंगे, मिक्स हो जाएगी सारी, ठीक है। कीमे वाली मशीन है अगर आपके पास, आप उससे भी दाल को डाल कर निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, प्याज को हमने सौते करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपको बजट में रह के रेसिपीज़ बताती हूँ। आपने खुद ही महसूस किया होगा कि मैं बाज़ार से मसाले कब मंगवाती हूँ, घर की चीज़ें डाल के सस्ती, घर की चीज़ें हर घर में नमक मिर्च गरम मसाला काली मिर्चें ये सारा कुछ मौजूद होता है, सब्ज़ मिर्चें धनिया हो गया ये सारी चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं, ठीक है तकरीबन। तो मैं बाज़ार से कुछ भी नहीं मंगवाती कि आपको सस्ती से सस्ती रेसिपीज़ दूँ,
इसलिए कि आप मज़े की मेरे तरीके की बना के खा सकें और अल्लाह ताला आपको सबको खुशियाँ दे, तंदुरुस्ती दे और मेरी रेसिपीज बना के इंजॉय करें। हम अपने प्याज को देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्याज की तरफ आते हैं। इसको हमने करना है नरम यानी कि सोते, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं ऑयल और डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा प्याज सोते हो चुके हैं, इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने जो मसाला आपको बताया, नमक मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने जो दाल है हमने स्पेशल में तैयार की है उसके अंदर मैंने नमक डाला है, किनौर क्यूब्स भी डाली है, इसलिए हम नमक को कम रख डालेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा डाल सकते हैं ना, अगर ज़्यादा डाल देगा तो निकलेगा नहीं, अगर हम कम डालेंगे तो कम होगा तो डल सकता है, ठीक है। पहले ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, कम डालेंगे, चेक कर लेंगे, अगर नमक कम होगा तो फिर डाल लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी ये जो मसाला मैंने आपको बताया, ये डालेंगे। इस तरीके की शामी कबाब आप बना के खाएं, आपके बहुत मज़े के बनेंगे, आप कहेंगे कि वाकई बहुत मज़े के शामी कबाब हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी का छीटा लगाएंगे। जी थोड़ा पानी का छीटा लगाएंगे। छीटा लगाने के बाद इसके ऊपर मैं रख दूँगी ढक्कन। ये देखिए इतने अच्छे तरीके से मैं हर बात आपको वाजिया करके बताती हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर आपको फिर भी कोई बात की आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे या यूट्यूब पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बता दूँ। अब इसको हम ढाँप के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। मुनासिब सी हमने आँच रखनी है यानी चूल्हे की, तो फिर इसको 5-7 मिनट बाद हम दोबारा देखेंगे। ये देखें मेरे पास चॉपर है, मैं चॉपर उधर रखा है मशीन, तो इसके अंदर हम डाल के इसको थोड़ा चॉप कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह चॉप कर लिया हमने, ये ठंडी होगी तो थोड़ी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। देखिए हमने चॉप कर लिया, इसी तरह मैं दूसरी डाल के भी कर लूँगी शामी बनाने के लिए। ओके जी, ये देखिए ढक्कन उठा के इस तरह आपने इसका ख्याल रखना है, देखना है इसको, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका ये खुश्क हो जाए, इसके अंदर जो थोड़ा सा वाटर है पानी है वो खुश्क हो जाए, तो अच्छी तरह इसको भून लें।
इसको हमने करना है जो इसके अंदर पानी है खुश्क जी। ये देखिए हमारा चिकन भुन चुका है, इसके अंदर जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। इसको मैं अब उतार दूंगी ठंडा होने के लिए। इसको ठंडा हो जाएगा तो सेट करेंगे, यानी कि इसका रेशे बनाएंगे। ओके, चिकन के हम रेशे बना के पहले ठंडा करेंगे फिर इसके रेशे बनाएंगे। चूल्हे को बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए रख देंगे जी। बाकी की दाल भी देखें हो गई चॉप, इस तरह कर लें करके इसको ठंडी होने के लिए हम रखें जी। ये देखें आपके सामने इसको श्रेड करूंगी, यानी कि इसके ये देखें रेशे करूंगी। इस तरह आपने चिकन के रेशे कर लेने हैं, ठीक है। सारे चिकन के आपने इस तरह दबाने से भी ये खुल जाता है, देखिए ऐसे दबाएं दोनों हाथों से। अब इसके सारे करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा चिकन श्रेड हो गया, यानी कि उसके हमने नए रेशे कर लिए। अब हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमेजा जो हमने बनाया दाल का उसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की बरकत के साथ हमेशा काम करते हैं, अल्लाह ताला बहुत बरकत डालते हैं। और सब्ज़ धनिया और फिर डालेंगे पुदीना। बना के आपने धो के खुश्क करके बर्तन में रख लेने, ठीक है। धनिया पुदीना डालने से शामी कबाब का टेस्ट दुबाला हो जाता है, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करके मैं आपको भी कबाब बनाना बताती हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं कबाब बनाऊँगी। देखिए मेरा मेज़ा तैयार हो चुका है शामी कबाब का, तो आप इसको आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखें ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर बहुत अच्छे कबाब बनेंगे आपके, ठीक है। अभी मुझे जल्दी है तो मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी बल्कि क्या करना है। हमने अंडा लेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। अंडे को हम फेंट लेंगे, जी हाथ पे ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा के हम कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे आपने करना है, फिर आपने ऐसे दबाना है, ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि बर्तन के साथ ना चिपके। इस तरह अभी ये फ्रेश बना है तो मुझे जल्दी है, मैं इसलिए आपको अभी बना के दिखाने लगी हूँ। थोड़ी देर आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, उससे आपके बहुत अच्छे शामी कबाब बनेंगे, ठीक है। अभी मैं फ्रेश फ्रेश साथ बनाती हूँ, साथ इसको हम फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में, थोड़ा सा और डालेंगे बस, ठीक है। नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे। आपको जैसे मैंने बताया कि शामी कबाब हम डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने अभी बनाया है, ठीक है। इसको डालेंगे मंडे के अंदर, ये देखिए इस तरह अंडा आपने लगाना है। अंडा लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पैन के अंदर रख देंगे, दूसरा भी उठाएंगे इसी तरह अंडे में डालेंगे। दोनों तरफ हमने अंडा लगा लिया इस तरह, इस तरह मैं बाकी के भी डाल के आपको दिखा दूँ जी। ये देखिए कबाब की करेंगे साइड चेंज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अभी नरम है थोड़ा, फ्रेश मैंने बनाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आधे घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में रख दें तो ये थोड़ा अपनी गिरफ्त में आ जाएगा और बहुत ही अच्छे कबाब बनेंगे। ठीक है, मुझे जल्दी थी, मैंने आपको दिखाना था तो मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए जल्दी बना लिया। मेरे तरीके के कबाब बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये बहुत एनर्जी वाले हैं, जो चने की दाल होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये गोल्डन हो जाते हैं तो हम उतार लेते हैं। जी कबाब हमारे देखे गोल्डन हो चुके हैं, इनको हम प्लेट के अंदर निकालेंगे। ये देखिए, जी कबाब ये देखे मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कबाब पकड़ें, केचप डालें, केचप डालें और खा के देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़े के हैं। खाएं, बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।